अल्लाम वेलकम टू माई यूटूब चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेवियाँ उपमा की रेसिपी जो कि एक हेल्थी ब्रेकफास्ट है तो इसके लिए आप पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम सेवियाँ ले, ले लेंगे दो ग्राम सेवियाँ हैं अब हम एक पैन ले लेंगे और उसको अच्छे से गर्म करने के बाद इसमें हम दो टेबल स्पून ऐड करेंगे और इसमें सेवियाँ डाल देंगे और इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे दो मिनट तक इसका कलर हल्का सा चेंज होना है ये देखिए कलर चेंज हो गया है अब हम इसको एक प्लेट में निकाल कर साइड में रखेंगे अब हम इसी पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे चार से पाँच टेबल स्पून अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें हम दो मीडियम साइज की प्याज को इस तरह से स्लाइस करके ऐड करेंगे और इसको हाई फ्लेम पर रखकर कर दो मिनट तक अच्छे से सॉफ्ट होने तक फ्राई करेंगे प्याज का कलर गोल्डन नहीं करना है बस थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक ही फ्राई करना है अब हम थोड़ी सी मसूर की दाल ले लेंगे यानी कि वन फोर्थ कप मसूर की दाल है इसको अच्छे से वॉश करके अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको प्याज मसूर की दाल को भी हम प्याज के साथ थोड़ा सा यानी एक मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे तेल में इसके बाद चार से पांच साबित हरी मिर्च को स्लाइड करके डालेंगे आप चाहे तो कट करके पीसेस भी ऐड कर सकते हैं इस और इसमें हम एक मीडियम साइज का टमाटर इस तरह से स्लाइस करके ऐड करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे थोड़े से करीलिप्स डालेंगे यहाँ पर और मिला लेंगे इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून नमक डालेंगे वन टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और इसको भी मिला लेंगे अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको कवर कर देंगे एक दो मिनट के लिए टमाटरों को हमें ज़्यादा गलाना नहीं है बस थोड़ा सा क्रंची रखना है इसका टेक्स्चर अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको कवर कर देंगे अच्छे से उबाल आने तक ये देखिए उबाल आ चुका है अब हम इसमें रोस्ट किए हुए सेवियाँ ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे मैं यहाँ पर 250 ग्राम सेवियाँ ले रही हूँ इसलिए इसका डबल यानी कि आधा लीटर पानी ऐड कर रही हूँ इसमें यानि कि डबल क्वांटिटी में पानी ऐड करना है अब हम इसको कवर कर देंगे दो मिनट तक के लिए फिर से एक मरतबा इसको मिक्स कर लेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर रख कर बनाना है हमें अब हम इसको दम होने के लिए दो मिनट के लिए कवर कर देंगे दो मिनट होने के बाद सेवियाँ अच्छे से दम हो गए हैं अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको एक सर्विंग प्लेट में निकालेंगे सर्व करने के लिए सेवियाँ बिल्कुल रेडी हैं इसको हम गरम-गरम में ही सर्व करेंगे बहुत ही सिंपल और टेस्टी और हेल्दी ब्रेकफास्ट है लंच बॉक्स के लिए भी ये परफेक्ट है तो आप भी ये सिंपल सी रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट में बताइए कि रेसिपी कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें इनशाला फिर मिलेंगे रेसिपी के साथ तब तक अल्लाह हाफिज